नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। सेवराई तहसील मुख्यालय पर शनिवार को नागरिक संशोधन कानून के विरोध में नजीर हुसैन फाउंडेशन द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाकर इसकी शुरुआत की, जो विधानसभा के गांव-गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। संगठन लोकतांत्रिक तरीके से इस कानून का विरोध करती रहेंगी। यह कानून देश की खुशहाली के लिए नहीं है, यह जोड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली कानून है। पूरे देश में सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, बदले में कानून का डर पैदा कर देश के असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश जारी है। देश में महिलाओं किसानों के ऊपर उत्पीड़न महंगाई चरम है, उन सब देशव्यापी मुद्दों से घयान बांटने की कोशिश जारी है, जिससे हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अपने संविधान एवं संवैधानिक अधिकारों एवं देश की रक्षा में आगे आए। यह काला कानून की लड़ाई जातीय संप्रदाय की नहीं बल्कि देश की लड़ाई है। हमारे पूर्वज देश की आन पान शान की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी व देश को आजाद कराया, जिसको ध्यान में रखकर स्वतंत्रता सेनानी नजीर हुसैन संस्था के सभी पदाधिकारी नागरिकता संशोधन जैसे काला कानून का विरोध करते हैं व दिल्ली में जामिया के छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। संगठन गांधीवादी व लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा जमानिया में काला कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन के माध्यम से कानून एनआरसी और सीएए कानून का विरोध, जो बगैर बिना मतलब का इस सरकार ने ला करके सारे मुद्दे को गौण करने के लिए ये पूरे देश के ऊपर थोपा जा रहा है, हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि आज जरूरत इस बात का है कि हम जिससे पूरे देश के लोग परेशान हैं उन मुद्दों को लेकर के हम लोग काम करें। प्रधानमंत्री को चाहिए कि महंगाई कम करें। आज डाटा और आटा दोनों महंगा हो चुका है देश में, इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। बहन बेटियों की कहीं भी सरेआम जो है छिनैती हो जा रही है, उनके साथ रेप हो जा रहा है, उनके साथ छेड़खानी हो जा रही है, इन सारे चीजों को गौण करने के लिए इस मुद्दे को ला करके देश को एक बांटने का ये एक तरीका दिखा रहे हैं। जबकि हकीकत में ये है कि एनआरसी और सीएए ये मुस्लिम विरोधी सिर्फ नहीं है, पूरे देश के आवाम के विरोध में है, उन दलितों के विरोध में है, उन लोगों के विरोध में है जो कबीलाई के तरीके से इस देश में रह रहे हैं, जिनके पास अपना कोई आधार नहीं है इस देश का, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने भी लोगों को यहाँ पे अपने गांव में बसाया है, अपनी जमीन दे करके बसाया है। अगर उनकी अथॉरिटी यहाँ से खोजी जाए तो उनकी अथॉरिटी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो देश से बाहर के लोग हैं। देशवासी, जिस तरीके से देश की मौजूदा सरकार ने सीएए और एनआरसी के नाम पर हम सारे देशवासियों को विचलित करने का, बांटने का जो घिनौना प्रयास किया गया, उसके खिलाफ हम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यह प्रदर्शन हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नजीर हुसैन फाउंडेशन के नाम पे हमने यह आंदोलन की शुरुआत की है, जिसमें हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। जो है जिस तरीके से एक नागरिक संशोधन एक्ट के तहत इस कानून को बनाया गया, हमारा विरोध देश की सरकार से नहीं, देश के सरकार द्वारा की जा रही उस कानून से है। देश में जिस तरीके से भूखमरी से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है, किसान उत्पीड़न से परेशान है, महिलाओं को आए दिन उत्तर प्रदेश और देश में जलाकर मारा जा रहा है उससे परेशान है, शिक्षा से परेशान है, उन तमाम चीजों से दूर करने के लिए, महंगाई जो आज आपने देखा होगा कि जिसे प्याज का दाम बढ़ गया, राशन का दाम बढ़ रहा है, उस सब से ध्यान बांटने के लिए नाकामी का पहला प्रमाण प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने सीएए कानून लाकर